तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और टेक यार में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा वाइपर ओएस का ऑफिशियल बिल्ड, वो भी रेडमी नोट 4 के लिए। और पहले ही बता दूँ, हाँ मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बहुत सारे चैनल्स में रॉम वीडियोस जल्दी आना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हम लोगों का और भी काम है, सिर्फ और सिर्फ रॉम वीडियोज़ ही नहीं, हम लोग उसके साथ और भी वीडियोज़ बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, सॉरी उसके लिए। और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि रॉम वीडियोज़ मोनोटोनस हो रहा है क्योंकि एक ही टाइप का वीडियोज़ रोज़, एक ही टाइप का वीडियोज़ रोज़। तो मैं जानता हूँ कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये ट्रू है, लेकिन क्या करें, लोगों से अगर हम लोगों को प्रेशर आए तो मुझको तो वीडियो बनाना ही होगा मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को मेरे भाई के जैसे देखता हूँ। नौकर में चल रहा है तो आपको ज़रूर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिलेगा, वहाँ पर दिखाने वाली कोई बात नहीं है। वोल्टी अच्छे से काम करता है, वोल्टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैम मैनेजमेंट डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक अच्छा है। और मैंने अभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया कि, लेकिन मुझे कभी कभार लगा है थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता था। लेकिन जो एक फीचर यहाँ पे बहुत अच्छा डाला गया है वो है थीम सेंटर। अब साइनोजेन हो या फिर लाइनेज हो, दोनों ही में हम लोगों को थीम सेंटर का थोड़ा बहुत एक कॉन्सेप्शन है या फिर एक आइडिया है। अभिषेक बच्चन का आइडिया नहीं, नॉर्मल आइडिया, एनीवेज़ जो आइडिया है उससे हम लोग जानते हैं कि थीम सेंटर कैसे काम करता है। लेकिन ये जो थीम सेंटर है ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक थीम सेंटर है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा अप्रोच, क्योंकि जो नॉन सीएम थीम होता है, यानी कि नॉन लाइनेज ओएस बेस्ड थीम होता है, एक्चुअली रॉम होता है, वहाँ पर थीम सेंटर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वो है और काफ़ी कूल लगता है सीरियसली। और जो एक्चुअली ये ब्लू कलर का या फिर वायलेट कलर का जो आइकॉन है ये मैंने बाद में चेंज कर दिया है। एनीवेज़ ब्लैक जो 2.5D कर्व डिस्प्ले है यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और ये जो वेनम ऑप्शन है ये एक्चुअली कस्टमाइजेशन हब है, अब रिजर्वेशन रूम इसकी तरह तो नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन जो भी है काफ़ी हद तक अच्छा है। और यहाँ पे डाउनलोड का सेंटर भी आपको दिया है कि आप वहाँ पे OTF अपडेट डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे उसको फ्लैश भी कर सकते हो। और दोस्तों बहुत कम ऐप यहाँ पे प्री इंस्टॉल है, जैसे कि ब्राउज़र, कैलकुलेटर, यहाँ पे आपको FM रेडियो भी मिल जाएगा और एक नया वॉलपेपर ऐप जो है वी पेपर्स, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने पीको एडिशन फ्लैश किया था गूगल जी एप्स का, तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर और इसके साथ प्ले सर्विसेज मिला है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि चैनल नया है, मैं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए। अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं आएंगे तो मैं अपना मोटिवेशन खो दूंगा, आप लोग ये जानते हो। तो वाइपर ओएस वॉलपेपर या फिर वी पेपर, एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही सेम टाइप का ही डिफरेंट रेंडर्स है, एक ही सांप का पिक्चर है, उसके साथ कुछ स्केलेटन का पिक्चर था, ऐसा कुछ पिक्चर था वहाँ पे थोड़ा बहुत रेंडर किया हुआ है, जो मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, मुझे डर लगता है, मजाक कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 63,000 का स्कोर है, 63,000 का स्कोर है एंटूटू में, तो और मैंने गीकबेंच नहीं यूज़ किया है, लेकिन गीकबेंच अच्छे से काम किया था वहाँ पे। कैमरे के मामले में बताऊँगा कि थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। अब मैं यहाँ पे एक्चुअली आर्टिफिशियल लाइटिंग में हूँ, लेकिन इसी आर्टिफिशियल लाइटिंग में मैंने और भी रॉम्स का रिव्यू किया है और मुझे पर्सनली लगता है कि वो काफ़ी अच्छा था, इसके अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। और ब्रॉड डेलाइट में क्या होगा, दिन में क्या होगा, सनलाइट में क्या होगा, ये मुझे नहीं मालूम, यहाँ पर शायद आपको अच्छा मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली इस रॉम को फर्स्ट टच में देख कर जो लगता है कि थोड़ा सा और हो सकता था। और 4K शूटिंग का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और स्टेबलाइजेशन ऑप्शन है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑप्शन यूज़ करोगे तो थोड़ा बहुत क्रॉपिंग का वहाँ पे प्रॉब्लम होगा और जो क्लिप होता है बेसिकली वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टेबलाइजेशन उतना भी अच्छा नहीं है, अगर ऑप्टिकल हो तो वो डिफरेंट बात है, लेकिन वो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं क्योंकि वो हार्डवेयर का एक फीचर होता है। नोट 8 में ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 खरीदूँ, तो देखना होगा कि प्राइसिंग क्या होता है। तो 4K रिकॉर्डिंग भी अच्छे से काम करता है और प्लेबैक भी होता है, तो कोई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काम करता है और ये कोई बैक कवर नहीं है, ये एक स्किनोवा का एक एक्चुअली गैजेट शील्ड का एक स्किन है, और इसका भी वीडियो चैनल पे हमारे इंग्लिश चैनल में है, ज़रूर चेक कीजिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो का चैनल लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल से, बेल बटन को जरूर दबाइए और वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में।